विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की भूगोल शिक्षण शास्त्र की क्लासेस के अंतर्गत आज हमारी पहली जो इकाई है अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति। अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हमारे बहुत सारे प्रकरणों के बारे में पढ़ा है, और ये जो हम आज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत पढ़ेंगे। आज के हमारा टॉपिक जो है वह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे सिद्धांत, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे आज। तो हमारे जितने भी हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की विशेषता पढ़ी, विशेषता को हमने तीन भागों में पढ़ा, उसके फिर उद्देश्य हमने पढ़े, उद्देश्य को हमने दो भागों में पढ़ा। तो आज हमारा जो ये अंतिम चैप्टर जो है इस फर्स्ट इकाई का ये समाप्त होने वाला है। इस अंतिम चैप्टर के अंदर हमारा जो विशेष जो इम्पोर्टेंट ये एग्जाम आ चुका है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांतों का सब विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए या समझाइए, तभी आता है कि जो हमने आगे जो पढ़ा है उसी का एक मिश्रित रूप है इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के जितने भी हमने प्रकरण प्रस्तुतिकरण पढ़ा है, प्रारंभ से अंत तक पढ़ा है, उनके अनुसरण जो उसमें कुछ कुछ सिद्धांत जो है उनका अनुकरण किया जाना चाहिए। तो उन अनुकरण के अंतर्गत हम कुछ सिद्धांत कुछ प्रमुख बातों को देकर इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो हमारे इस आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत हमारे बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं जिसके बिना हमें वर्णन नहीं है। तो पहला आता है संतुलित विकास का सिद्धांत। पहला कौन सा आता है? पहला है हमारा संतुलित विकास का सिद्धांत। संतुलित विकास का सिद्धांत, तो संतुलित विकास का सिद्धांत तो क्या होता है? पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम संतुलित विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि अगर हम देखते हैं संतुलित विकास का, सभी जगह समान रूप से एक विकास होना चाहिए, मतलब पूरे राष्ट्र के अंतर्गत। जब हमारा एनसीईआरटी तौर पर बुकों का निर्माण किया जा रहा है तो निर्माण है उनको सभी जगह तो उनको सभी जगह एक संतुलित विकास की अवधारणा के तौर पर देखना चाहिए। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अंतर्गत संतुलित विकास की अवधारणा को स्थान दिया जाना चाहिए, सभी जगह समान रूप से इसका विकास होना चाहिए, इसकी अवधारणाओं को विशेषकर महत्व देना चाहिए, और विकास के प्रत्येक पक्ष को उसकी आवश्यकताओं के तथा महत्व के आधार पर उसको स्थान भी देना चाहिए। हम एनसीईआरटी या आरबीसीआई के हम जो बुक पढ़ रहे हैं, राजस्थान पाठ्यक्रम जो पढ़ रहे हैं, तो हम उसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि जो हमारे जीवन के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातों का विकास हो सके, हर बालक का विकास इस आधार पर हो कि वो उस पाठ्य पुस्तक के बारे में सब विस्तार पूर्वक सभी जगह एक समान रूप से वो उस क्रिया को पढ़ सके। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो दूसरी क्रिया उसी पाठ्य पुस्तक के अंदर वही क्रिया होनी चाहिए। जैसे नैतिकता है, मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, मानवीय मूल्य महत्व नहीं, मानव का जितना भाग हो सके उसको उतना उसको महत्व दिया जाना चाहिए, या इसे प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण विकास के तौर पर समाज और एक आदर्श समाज का निर्माण के रूप में इसको देखना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो है वो समान रूप से सभी जगह एक जैसा होना चाहिए। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम संहिता 2005 के सिद्धांत में है तो उसमें कहीं बताया कि संतुलित विकास का सिद्धांत, मतलब सभी जगह समान रूप से इसका विकास होना चाहिए। हम किसी पाठ्य पुस्तक को उठा कर पढ़ते हैं तो उसमें मानवीय मूल्यों के बारे में अधिक स्थान और महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। अगला पॉइंट है वो समायोजन का सिद्धांत, और सिद्धांत है वो है समायोजन का सिद्धांत।
समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत बताया है, मतलब हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समायोजन का मतलब क्या होता है, सभी बातों को उसमें जोड़ना, सभी समाज को लेकर चलना। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2000 ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संहिता 2005 का निर्माण करने से पूर्व समिति के सभी सदस्य अपने मानवीय और भौतिक संसाधनों पर विचार करते, मतलब हमारे मानवीय मूल्यों को जो महत्व देने, ये साथ साथ भौतिक तत्वों को भी महत्व देना चाहिए, भौतिक संसाधनों को भी हमें जोड़ना चाहिए, जिसके बारे में बालक अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उसके बारे में विचार विमर्श कर सके। और इसके उपरांत संसाधनों के समन्वय करते हुए, मतलब संसाधनों को भी जोड़ते हुए उनके सर्वाधिक उपयोग व्यवस्था को निश्चित करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए कि बालक उस क्रिया को अधिक से अधिक जान सके। मतलब संसाधनों का उचित प्रयोग, उचित दोहन, मध्य समर्पित स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में समायोजन के रूप में उसका अनुकरण करना चाहिए कि हर विद्यार्थी को संसाधनों के बारे में, पर्यावरण भौतिक जगत के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में, यानी पूरे संसार की सभी वस्तुओं को इस पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे पढ़ा था हमने, जैसे भौतिक संसाधन, रासायनिक संसाधन, भूगोल नहीं, भौतिक भूगोल, वास्तविक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, रासायनिक भूगोल पढ़ा था, प्रादेशिक भूगोल पढ़ा है, तो उसी प्रकार आर्थिक भूगोल है, कृषि भूगोल है। तो इसी प्रकार हमारे हर विषय के अंदर भी, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, उन सभी क्रियाओं को इस पाठ्यक्रम में इस प्रकार से जुड़ना चाहिए कि बालक का विकास है वो सर्वांगीण विकास हो सके। वो बालक किसी भी क्रियाओं को पढ़ते कि हम अधूरा ना, उस क्रिया के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश हो कर सके। इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को समायोजन करना चाहिए। समायोजन का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा नहीं कि हमारा आश्रय, मतलब हर व्यक्ति महासागरों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, स्थल भागों के बारे में, भौतिक प्रदेशों के बारे में, ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए कि बालक का सभी प्रकार रूप से विकास हो सके, बालक उस क्रिया को अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर सके। इस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम के अंदर समायोजन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो राष्ट्रीय भावात्मक एकता का सिद्धांत होता है। थर्ड कौन सा है हमारा, वो है राष्ट्रीय या भावात्मक एकता का सिद्धांत। भावात्मक एकता का राष्ट्रीय या भावात्मक एकता का सिद्धांत, राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का सिद्धांत। राष्ट्रीय मतलब संपूर्ण राष्ट्र में पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए कि हम स्थान देना चाहिए जिससे राष्ट्रीय में राष्ट्र की अखंडता को हम सुरक्षित रख सके या सुरक्षित बना सके। समाज में निहित संस्कृति की वेशभूषा, धर्म, परंपराओं को एक सूत्र में पिरोते हुए धर्म निरपेक्षता की शिक्षा रूप में देनी चाहिए। हम सभी धर्मों को महत्व देते हुए समाज की संस्कृति को महत्व देंगे, उसकी वेशभूषा को महत्व देते हुए, उनकी बोलचाल की महत्व, भाषाओं को महत्व देते हुए, सबसे बड़ी है भाषा, तो भाषा को महत्व देते हुए हमें राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। सभी राष्ट्र एक समान, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा भारत एकता के सूत्र पिरोते हुए हर समाज का निर्माण, हर समाज का विकास संभव होना चाहिए। जिस इस पाठ्यक्रम के अंदर भाषा समस्या के प्रति विचार विमर्श की समस्याओं को अधिक से अधिक बालकों को समझाना चाहिए, और हमें ऐसा निर्माण, हमें ऐसे विद्यार्थी का निर्माण अपने राष्ट्रीय और भावात्मक एकता का निर्माण करते हुए इस प्रकार से विकास करना चाहिए कि बालक उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। तो हम इस जो क्रिया जो हो रही है हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संहिता 2005 जो सिद्धांत है, ऐसे होने चाहिए कि बालक उसमें अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर सके। और यही क्रिया हमारे अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मेरे बारे में इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संहिता के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से समाप्त करूंगा, और ये हमारा जो प्रथम जो इकाई है ये समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।